आंधी आ रही है, देखो कैंप गेट खोलते ही देखो भाई स्नो। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल वी लव ट्रैवलिंग में। तो हम एक नया ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम लोग निकल चुके हैं रोहतांग पास से। रोहतांग पास से आगे निकलते ही भाई कुछ इस टाइप का व्यू है। आंधी आ रही है, देखो कैंप गेट खोलते ही देखो भाई स्नो आने लग गई है अंदर। अभी हम लोग जा रहे हैं अटल टनल, या देखते हैं होटल जाएंगे। ये देखो भाई तूफान आ रहा है यहाँ पे। तो अभी मैं ज़्यादा देर शीशा नहीं खोल सकता, तो मैं शीशा लगा देता हूँ भाइयों, क्योंकि देखो आपने देख आपको वीडियो में दिख रहा होगा शीशा खोलते ही सारा इसमें अंदर आ रहा है। देखो मेरी शक्ल देख सकते हो आप, मेरे कपड़े देख सकते हो आप, शीशा खोलते ही सारी स्नो मेरे ऊपर आ गई, क्योंकि यहाँ पे बहुत तेज़ तूफान आ रहा है। तो हमारा कंफर्म नहीं है कि हम अटल टनल जाएंगे या नहीं जाएंगे, या सीधा डायरेक्ट होटल जाते हैं, क्योंकि भाई थोड़ी हालत डाउन हुई पड़ी है, क्योंकि हम रोहतांग पास गए थे अभी। आपने अगर मेरी लास्ट वाली वीडियो नहीं देखी तो जाके देख लेना। अभी हम लोग रोहतांग पास गए थे, वहाँ पर इतनी स्नो नहीं थी, ना ही वहाँ पर पड़ रही थी। और जैसे हम लोग रोहतांग पास से निकले, थोड़ा और आगे आए, तो देखो गाइस यहाँ पे भाई अलग ही लेवल का तूफान आ रहा है। भाई भैया बोल रहे हैं कि हो सकता है ये रोड बंद हो जाए, अगर आज पूरी रात स्नो पड़ी तो सुबह ये रोड बंद हो जाएंगे। वैसे तो 15 तारीख को बोला था कि रोहतांग पास 15 तारीख को बंद हो जाएगा। अभी हम भाई नीचे टाउन जा रहे हैं, सीधा अटल टनल जाएंगे ना अभी हम। हाँ भैया अभी हम अटल टनल जा रहे हैं, यहाँ से जल्दी निकलते हैं हम लोग। अगर मैं आपको आगे का व्यू दिखाऊँ तो देखो कुछ ऐसा है। सुरेश भाई एक बार दिखाना भाई, आगे विंडशील्ड पे बर्फ अल्टीमेट जम रही है भाई, अल्टीमेट। अगर आपको दिख रही हो तो पूरा ही वाइट हो रखा है। पीछे अभी बहुत तेज़ तूफान आ रहा था, यहाँ थोड़ा सा कम हो गया है, इसलिए मैंने शीशा खोल के कैमरा ऑन कर लिया है, क्योंकि हमने पीछे शीशा ऑन करा सारी की सारी स्नो गाड़ी में भर गई थी, हम पूरे स्नो में भर गए। इसलिए भैया हमने सोचा कि फालतू में गीले हो जाएंगे। ये देखो भाई अब रोड देखो, व्यू देखो, पहाड़ देखो, हर चीज़ देखो। ये सब चीज़ें ना हमने खुद वीडियो भाइयों, यहाँ आना हमारा मशगूल है। ऐसी स्नोफॉल हर किसी को देखने को नहीं मिलती, हर किसी के नसीब में नहीं होती है। हमारा नसीब इतना अच्छा है कि हम तो सिर्फ ये चाह रहे थे कि भाई हमें बस दूर से किसी पहाड़ पे बर्फ़ दिख जाए, हम उसी में खुश हो जाएंगे। बट नहीं, ऊपर वाले ने हमारा साथ दिया, हमें प्रॉपर स्नो दिखाई भाई, जिसे कहते हैं ना दिल गार्डन हो गया। मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता भाई मैं कितना खुश हूँ। अब हम लोग नीचे की ओर जा रहे हैं, तो यहाँ पे स्नोफॉल थोड़ी थोड़ी कम होती जा रही है। आपको दिखाता हूँ एक बार बाहर फिर से, मेरा मन कर रहा है भाई मैं आपको दिखाता ही रहूँ। ये देखो अब यहाँ पे स्नो होनी स्टार्ट हुई है।
तो भाइयों अभी हम लोगों ने यहाँ का टेम्परेचर चेक करा और यहाँ का टेम्परेचर दिखा रहा है -4, -4, आप समझ सकते हैं, आप देख सकते हैं। हम नीचे की साइड जा तो रहे हैं बट यहाँ पे भी स्नोफॉल रुक नहीं रहा है, यहाँ पे जमना स्टार्ट हो गया है। अभी भैया बाहर निकले हैं गाड़ी साफ़ करने के लिए क्योंकि शीशे के ऊपर बहुत ही ज़्यादा स्नो जम चुका है, बहुत ही ज़्यादा। तो भैया रिस्की है थोड़ा जाना बट साफ़ करना ज़रूरी है। ये देखो अभी भैया ने गाड़ी खोली तो गाड़ी के अंदर स्नो भर गई। सूरज भाई हमारे थक चुके हैं, थोड़ा आराम कर रहे हैं, सूरज भाई की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। विशाल भाई भी थोड़े थक चुके हैं बट तुम्हारा भाई अभी भी फुल एनर्जी में है। तो आप देख ही सकते हैं स्नोफॉल कंटिन्यूसली पड़ी रही है, चली रही है, देखो मेरे इस पे जम रही है हाथ पे। भाई अगर वीडियो अच्छी लग रही है ना तो कमेंट में बता देना और लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को, और अगर आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हैं वीडियो तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करना, अपने दोस्तों को दिखाना ज़रूर कि भाई इसके मनाली और रोहतांग पास के अंदर ऐसा व्यू है। तो चलो कंटिन्यू रखते हैं भाई, दिक्कत क्या है। ये देखो भाई, ये देखो भाई, मतलब पानी जिसे कहते हैं ना वो, तो भाई यहाँ के जो वाटरफॉल है ना वो पूरे के पूरे जम चुके हैं भाई, जिसे कहते हैं ना ऐसे करके आइस जम जाना, यूँ करके लेयर के साथ। बस पूछो मत भाई, अभी अगर हम कहीं रुके अगर वैसी आइस हुई तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगा भाई, टेंशन मत लो। तूफान बहुत तेज़ आ रहा है भाई, बहुत तेज़ तूफान है, क्योंकि कहीं पे कम हो रहा है फिर एकदम से बढ़ जा रहा है, फिर कहीं कम हो रहा है फिर एकदम से बढ़ जा रहा है। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं फॉक्सर विलेज भाई, हमें गाड़ी में से देखने में तो बड़ा ही प्यारा लग रहा है। चलो आपको दिखाते हैं, देखते हैं आपको कैसा लग रहा है। अभी ना यार थोड़ी ना हालत डाउन होने लग गई है, वॉमिट जैसा मन हो रहा है, अजीब सा मन हो रहा है, मतलब कैसे बताऊँ मैं आपको, बोलने का मन नहीं कर रहा यार। अभी ये देखो फॉक्सर विलेज, पानी होगा ना हमारे पास, मैं लेके तो आया था बोतल। ले जाइए अगर आपको दिख रहा हो सही से, तो ये देखो भाई कितने ही और ऊपर देखो पहाड़ी पहाड़, ऊपर तो भाई पूरा जम गया है भाई, तगड़ी स्नोफॉल हो रही है भाई ऊपर तो, तगड़ी स्नोफॉल हो रही है। यहाँ पे स्नो पड़नी भी बंद हो चुकी है और हवा भी थोड़ी बहुत है बट मौसम बहुत ठंडा है। आप देख सकते हो ना स्नो है ना कुछ है, स्नो अगर आपको देखनी है ऊपर देखने को मिलेगी, अगर आपको दिख रहा हो टॉप पे, हम उस टॉप से नीचे आ रहे हैं उतर के। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अटल टनल, दिखाते हैं आपको अटल टनल कैसा है और क्या क्या है वहाँ पे देखने के लिए। हम भी फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, हम भी देखेंगे और आपको देखेंगे, तो बने रहो वीडियो में। फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं अटल टनल, तो अब उतरते हैं, फोटोज़ क्लिक करवाते हैं। बाकी आपको तो दिख ही रहा होगा अटल टनल तो कैसा व्यू है, क्या आता है यहाँ से। हम इसके अंदर से जाएंगे क्या भैया, अटल टनल के अंदर से? हाँ तो अभी हम लोग अटल टनल के अंदर से होते हुए ही जाएंगे। हैं 9 किलोमीटर जो ये अटल टनल 9 किलोमीटर की है, जैसे भैया हमारे को बता रहे हैं, तो हम इसके अंदर से होते हुए अपने होटल जाएंगे। मनाली 33 किलोमीटर देखा था हमने, पीछे लिखा हुआ था। तो चलो निकलते हैं गाड़ी से, क्लिक करवाते हैं यहाँ पे थोड़ी पिक्चर्स, तो हम निकल जाते हैं फाइनली। तो भाई निकलते हैं गाड़ी से, तो थोड़ा गेटअप चेंज कर लेते हैं क्योंकि हमें फ़ोटोज़ चाहिए थोड़ी अच्छी सी, तो इन कपड़ों में तो फोटो। फाइनली भाई हो तुम्हारे भाई का उठ चुका है गेटअप चेंज, क्योंकि यार हमें फ़ोटोज़ क्लिक करवानी है, इन कपड़ों में तो फ़ोटोज़ अच्छी नहीं आएंगी। कोई बात नहीं, ठंड बहुत है पर कोई बात नहीं, हम झेल लेंगे थोड़ी बहुत ठंड। और भाई अटल टनल आने का भी एक छोटा सा सपना था हमारा, पर हम सिर्फ वीडियोस में देखा करते थे अटल टनल को कि भाई अटल टनल हम कैसी चीज़ है, क्या है अटल टनल, कैसा दिखता है। ये 9 किलोमीटर लंबी अटल टनल है भाई, अभी हम लोग जाएंगे यहीं से होते हुए तो मनाली जाएंगे, तो आप लोग भी एक बार देख लो अच्छे से और यहाँ का व्यू देख लो। पर ठंड बहुत ज़्यादा है यहाँ पे भाई, ठंड कुछ ज़्यादा ही। चलो
भाई हम लोगों का हो चुका है फोटोशूट डन। अब हम लोग जा रहे हैं वापस गाड़ी में, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है, यहाँ से पहुँचने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। ओह ठंड बहुत ज़्यादा है, मैंने वैसे भी वो कपड़े उतार दिए हैं भाई अपने, मेरे को लग रही है ठंड बहुत ज़्यादा, मेरा पूरा शरीर सुन्न हो चुका है। चलो अब अटल टनल का थोड़ा सा व्यू दिखाते हैं आपको, यहाँ से 9 किलोमीटर की अटल टनल है ये। ठंड लग गई भाई। हाँ भाई चल चलो अंकल जी। तो भैया भाई बाहर बहुत ठंड है यार, बहुत ठंड है, अब चलते हैं देखते हैं उसके नज़ारे, बहुत ठंड है भाई। तो थोड़ी देर के लिए बाहर गए, हाथ पूरे ठंडे से। चलो चलो मैं चलते हैं, स्टार्ट करते हैं यहाँ से अटल टनल का व्यू, हम भी इंजॉय करते हैं। देखो भाई अभी तक ऊपर के पहाड़ दिख रहे हैं, देखो ये अटल टनल के अंदर घुस रहे हैं हम लोग, ये हमने एंट्री कर दी अटल टनल के अंदर भाई साहब। भाई फाइनली ये टनल इतनी लंबी है, इतनी लंबी है, बहुत लंबी है, तो ये टनल अब ख़त्म होने वाली है ऑलमोस्ट। मैंने आपको दिखाया कितनी लंबी टनल है, तो देखो आप भी भाई, आप भी देखो और मैं भी देखता हूँ। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ भैया, कौन सी जगह है ये? सोलांग गली में। ये पॉइंट कौन सा है? जीरो ग्राउंड। जीरो ग्राउंड कहते हैं भाई इसको सोलांग गली का, यहाँ पे एक्टिविटीज होती हैं आपको दिख रहा हो तो। तो फाइनली हम लोग अपनी कैब से बाहर आ चुके हैं, दिखाते हैं आपको, ये है सोलांग वैली का जीरो पार्क, जीरो पॉइंट पार्क बोलते हैं इसको, कैसे कुछ बोलते हैं। तो यहाँ पे एक्टिविटीज़ होती हैं, ये एक्टिविटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, ऐसा कुछ खास नहीं है यहाँ पे, बट एक्टिविटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है यहाँ पे। भाई साहब देख सकते हो आप, यहाँ पे एक्टिविटीज़ हो रही हैं, वहाँ पे एक्टिविटीज़ हो रही हैं, यहाँ पे फोटो शूट चल रहा है बहुत तगड़ा। वो देखो ऊपर जा रहा है, क्या कहते हैं मेरे को उसका नाम नहीं पता है, ये देखो यहाँ से कुछ इस तरह का व्यू आता है, तगड़ा ही व्यू है। हाँ जगह ये भी अच्छी है भाई, जगह ये भी बहुत प्यारी है, देखने लायक है। तो देखो करेंगे दोनों, क्या करेंगे भाई? नहीं डरेंगे इस दुनिया से अब हम। हाँ सुन भाई आप क्या कह रहे थे? ठंड बहुत हो गई है, खुल्लम खुल्ला भाई। भैया ने चाय बड़ी मस्त बनाई थी और भैया ने सुरूर बना दिया गाने सुना सुना के, चाय बहुत बढ़िया बनाई थी सही में भाई, सीरियसली भाई, मज़ा आ गया भाई, बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया। सोलांग वैली में रुके हुए हैं, यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लिया है, क्योंकि गाड़ी में बैठे बैठे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए थे भाई, क्योंकि पहाड़ों में हो ही जाता है, मन भी थोड़ा ख़राब हो रहा था, अजीब सा हो रहा था, बट अब एकदम ठीक हो गया है। देखो यहाँ से पीछे का व्यू, अभी हम लोग पता है कहाँ से आ रहे हैं, तो देखो भाई दिख रहे हैं आपको पीछे बर्फ़ के पहाड़, अभी हम लोग वहाँ पे सबसे टॉप पे ऊँचाई पे जीरो पॉइंट पे। भाई साहब दिल जीत लिया भाई मनाली ने, हकीकत में भाई हमारा आना वसूल हो गया भाई मनाली, सपना था छोटा सा भाई कर लिया पूरा, अभी और सपने हैं वो भी धीरे धीरे पूरे होंगे, सपने पूरे होने में टाइम लगता है, देखने में टाइम नहीं लगता, बट पैसा वसूल है। तो अब यहाँ से हम लोग डायरेक्ट जा रहे हैं होटल, होटल में जाके थोड़ा बहुत रेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद देखते हैं कहाँ जाएंगे। इस वीडियो का जो भी पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा हो प्लीज़ कमेंट करके बता देना, बाकी हमारा दिन बहुत अच्छा था और बहुत मज़ा आया। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को, शेयर कर देना अपने फ्रेंडों के साथ ताकि वो भी देख सकें आगे, और तो मिलते हैं आपसे इसी तरह किसी और वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।